दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी हेयरब्लेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसी थी उसका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल आ चुका है। तो उसका जो कोर्ट केस चल रहा है तो उसके बारे में आज एक जो कोर्ट केस लगा हुआ था नरेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, इस केस का जो है स्टेटमेंट आई है। इस केस की आज हियरिंग थी, सुनवाई थी आज। इसमें क्या कुछ डिसीजन आया इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बात कर लें इस वीडियो के बारे में, इस आज की जो हियरिंग थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये केस नंबर था दोस्तों CWP 13023/2022, ये था नरेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो प्रेजेंट हुए थे आज मिस्टर जसबीर मोर, एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, जिसने ये रिट जो है केस जो है वो किया था उसकी तरफ से मिस्टर जसबीर मोर जो है जो वकील हैं पेटिशनर की तरफ से, वो आज प्रेजेंट हुए थे इस केस के अंदर सुनवाई के लिए। तो उसके बाद जो डिसीजन दिया गया है वो ये है, लर्न्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर कंटेंट्स दैट द पेटिशनर हु हैड अप्लाइड इन द ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ ALM हैज ऑब्टेंड 57 मार्क्स। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो पेटिशनर है यानी कि जिसने केस किया है नरेश कुमार, उन्होंने ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था पोस्ट ऑफ ALM की पोस्ट के अंदर जब फॉर्म अप्लाई किया था तो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड कैटेगरी जो है उसके अंदर उन्होंने अप्लाई किया था और उन्होंने 57 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। ही हैज़ हैड ऑब्टेन 57 मार्क्स बट ही हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। Although the last selected candidate in the general category had secured 56 marks, इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी general category का last candidate select हुआ है उसके 56 marks बनते हैं, यानी कि नरेश कुमार के 57 थे और जो general category की cut off गई है वो गई है 56 पर, और तो भी नरेश कुमार का selection जो है वो नहीं किया गया है। इन द इवेंट ऑफ द पेटिशनर नॉट बींग कंसिडर्ड अंडर द फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी ही ऑटेड टू हैव बीन कंसिडर्ड इन जनरल कैटेगरी। तो इसमें ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन दिया जाना था, क्योंकि उनके जनरल कैटेगरी के थे 56 मार्क्स कट ऑफ गई थी और नरेश कुमार के बने थे 57। तो इश्यू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स एट द आस्किंग ऑफ द कोर्ट, डॉक्टर कपिल बंसल DAG हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो DAG जो है हरियाणा के, उन्होंने ये लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और इसमें ये कहा गया है लिस्ट ऑन 19 जुलाई 2022 की जो लिस्ट होगी उसमें यहाँ पर उनको बोला गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि इन द इवेंट ऑफ द पिटिशनर सिक्योरिंग 57 मार्क्स Then one post in the general category would be kept vacant till the next date of hearing। उनको कहा गया है कि जैसे कि आपको पता है कि पेटिशनर के 57 मार्क्स बन रहे हैं, ऑब्टेन किए हैं पेटिशनर ने 57 मार्क्स, इसलिए उनको जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाना था लेकिन नहीं किया। लेकिन अब क्या है कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग डेट होगी उसमें आपको जो आप लिस्ट लेके आओगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ALM की, उसमें जनरल कैटेगरी में एक सीट वैकेंट होनी चाहिए जो पेटिशनर के लिए होगी। तो ये आज का नोटिस है दोस्तों, देख सकते हो 2 जून 2022, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जो थे वो जज रहे थे इस आज की हियरिंग में। तो ये था आज का जो हियरिंग हुई थी उसके बारे में डिटेल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।